अस्सलामुअलैकुम गाइस, बाइक पे बैठा हुआ हूँ मैं और आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपना जो कॉलेज है ना, स्टडीज कॉलेज, वो दिखाऊंगा। और वहाँ जाके मैं भी काफ़ी अरसे के बाद जाने लगा हूँ और जो है ना मज़ा आने वाला है। और मुझे डर है कि कहीं इस तरह बाइक पे बैठे बैठे जो है ना वो कोई चीज़ गिर ना जाए मेरे हाथ से, तो इसलिए अब कॉलेज चलते हैं तो फिर जो है वो आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। ऑलराइट गाइस, अभी मैं कॉलेज में एंटर हो चुका हूँ और पीछे आप देख सकते हैं ये जो कॉरिडोर है ना, यहाँ पे सुबह के टाइम पे असेंबली होती है, अब नहीं होती होगी मे बी, और पहले होती थी। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, एक एक टेक्नोलॉजी का मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। आगे ना सही लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन वगैरह करवाता जाऊँगा। और यहाँ से जब आप एंटर होते हैं ना, तो बिल्कुल एंटर होकर राइट साइड पे ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी थी, अभी एक अपग्रेडेशन हुई है कि यहाँ पे ना एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग चुका है। और ऐसे ही साथ में ये पीछे जो है ये नई टेक्नोलॉजी बनाई थी इन्होंने ऑटोमेशन, सही है, तो इसलिए इसकी बिल्डिंग जो है ना थोड़ी डिफरेंट है। और यहाँ पे ये पीछे जो ब्लॉक है ना लेफ़्ट साइड पे, ये एडमिन ब्लॉक है, यहाँ पे जो ऑफिस वर्क्स वगैरह होते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस है, एडमिन ऑफिस, सब कुछ वैसे ही है। इसी तरह जब हम आगे आते हैं तो आगे जो है वो आई थिंक ये इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी है इस तरफ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, ओके जी, इंस्ट्रूमेंट ये वाली है। और ये मेरे भाई हैं अली साहब, मेरे फर्स्ट कज़न, और ये भी इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल ही पढ़ा हुआ है इन्होंने तकरीबन। हाँ, तो ये जनाब टेक्नोलॉजीज की जो बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। और ये आप पीछे जो बिल्डिंग देख सकते हैं, ये वाली बिल्डिंग जो है वो मैकेनिकल की है, और ये इंस्ट्रूमेंट है ना। हाँ जी, ये इंस्ट्रूमेंट है जी, ये इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे एक लड़का हमारा था रमीज़, हमारे स्कूल लाइफ का एक दोस्त था, जो हम सब दोस्त आए थे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आया था। तो चलिए आपको अगली जो है वो टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, उससे पहले मेरे जो बूट का तस्मा ना खुल गया, तो ये मैं बंद करके फिर मैं आता हूँ वापस। हमारी टेक्नोलॉजी आ गई जी इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल के साथ ही बाजू में जो है ना वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमारे बाजू में इसी तरफ जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गई हमारी टेक्नोलॉजी। और इसी के इस तरफ अगर जाए ना तो आगे जो है वो फाउंड्री आ जाती है। और गाइस, अभी दिलावर साहब और एक नए टीचर हैं, उनका नाम नहीं याद रहा, उनसे मुलाकात हुई है, नईम साहब से, और काफ़ी अच्छा लगा, दे आर रियली रियली नाइस, और जो भी आता है उनको बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है जी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ये पहले नहीं थी, अभी आके ही कहीं इन्होंने लगाई होगी। अच्छा, 2015 का कोई एक बंदा है जिसने ये तैयार की है, उसने ऊपर लिखा भी हुआ है। हाँ, और अभी फ़िलहाल पेपर्स हो रहे हैं, इसलिए कुंडी शुंडी ताले शाले लगा के ये चले गए हैं। और अभी मैं आपको जो है ना एक चीज़ दिखाता हूँ और उसकी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आई होप सो आपको अच्छी लगेगी, मुझे तो मेमोरीज़ मेरी ताज़ा हो गई हैं चीज़ें देख के। ऑलराइट, ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे हमने बहुत स्टडीज़ की हैं, हम सर्दियों में बाहर आके इधर बैठ जाते होते थे और हम पढ़ते थे यहाँ पर आके। और हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था अब्दुर्रज़ाक साहब, अभी भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। और वो थोड़ा ना ऐसे स्लो स्लो बोलते थे, वो कहते थे कि असी किधरे उथे ना चलिए जिथे सुख ते चैन होवे। तो फिर वो जो ये जो दरख्त है ना सुख चैन का, इसके नीचे हमें लेके आते होते थे, ये जगह है वो, यार क्या मेमोरीज़ हैं। और ये दरख्त है सुख और चैन। और थैंक यू सो मच मेरे सब टीचर्स जो है ना, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, और उनको जो है वो उनकी वजह से ही, जो मेरे नर्सरी क्लास से ले के अब मेरे डिप्लोमे तक के टीचर रहे, उसके बाद मैंने रेफ्रिजरेशन का कोर्स किया, वो वाले टीचर, उन सबको जो है ना मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जो
बंदा ये वीडियो देखे और उसको पता हो कि ये इन स्कूल्स के इन कॉलेजेस के टीचर्स, उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाए, उनके साथ शेयर करे और उनकी वजह से जो है वो बहुत बहुत हेल्प मिली है अपनी लाइफ को जो है वो आगे बढ़ाने में, सक्सेसफुल होने में। अच्छा गाइस, ये जगह ऐसी है ये वाली, अभी तो यहाँ बीटेक टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग बन गई है। यहाँ पे एक दफ़ा क्या हुआ कि एतजाज साहब जो है ना, उन्होंने बटेरी जो हमारा वकास है ना काशी, उसको जनाब बोला के फ़ोन आया था तो मैंने दसी। उन्हें जनाब की कीता कि उन्हें फ़ोन आया तो उन्हें जनाब गालां कड़ियां, तेरी भैन दी, तेरी माँ दी, तेरी ऐसी दी तैसी। तो बंदा वो कौन सी जिहड़ा फ़ोन ते सी, वो सी जनाब अपना पीटी जिहड़ा स्पोर्ट्स करांदा है। तो ये जनाब उन्हें आख्या, काशी नूं पुछया, हाँ भी तू केड़ी तेरी टेक्नोलॉजी है? इन्हें आख्या, भैन दी सिरी तेरी। उन्हें आख्या, मेरी इलैक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आ, तो इस टाइम इलैक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर बैठे हाँ, तो है मेरा ना ही तो आ जा को जो पटन हों पाटल। वो जनाब आ गया, पीटी साहब आ गए, वो अंदर गए, उन्होंने आके किसी टीचर नू लिया शायद इधर आके, तो इन बटेरी नहीं फड़िया, बटेरी नहीं फाड़ के जनाब लै गए, तो जनाब हूँ थोड़ी बख्शिश आई को नहीं। तो काजी साहब रोन, और सर जी माफ़ कर दे, मैनू नहीं सी पता तुसी हो। तो एतजाज आ गए, तीन में तेनू आख्या कि सी गाल कड, तो मैं आख्या सी कॉल आ भी तो मैं दसी। तो यह जी जगह है ना, यह जगह जी सामने में इतने जनाब काशी साहब ने इन्ना क पानी लाया, इन्ना क पानी लाया ना, उधर उतू ग्राउंड बन रहा सी, उन्हें इन आख्या कि दो घंटे पहले तू आ जा कर, इतने सवेरे जड़ा ना तू जरूर पानी लाना। तो इतने जनाब उन्हें बड़ा ही पानी लाया, तो काशी की जी है ना ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस जगह दे, शायद इस जगह दे बहरहाल। काशी वी मिस यू, सोशल मीडिया यूज़ करया कर, ते आ जा कभी गपशप ला ले साडे नाल। जी तो गाइज़, ये हमारा पीछे पूरा ग्राउंड है और टीचर्स कॉलोनी भी इसी तरफ है, वो इस तरफ आके टीचर्स कॉलोनी शुरू हो जाती है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये पूरा कॉलेज जो है ना, ये 48 एकड़ पे है, जो कि मतलब 50 एकड़ के जो है ना दो मरबे बनते हैं, दो मरबे। तो इतना बड़ा ये कॉलेज है, और काश मेरे पास ड्रोन होता और आपको मैं ओवरव्यू दिखाता। और इस वक्त जो है ना, जो मेरे बैच के लड़के थे, मैं उनको मेंशन करना चाहूँगा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ इस ग्राउंड को इनको याद होगा, अब्दुलाज खावर शहजाद, वसीम अकरम, तसीफ अदरपट्टी, शानी शानी वो है यार, शानी राशिद, वो अब उसका क्या, रिजवान राशिद, सॉरी वो हो गया। उसके बाद एक शानी लड़का होता था, एक खावर था जिसका इधर से ना वो एक सोने का दांत था। वो हो गया, उसके बाद हो गया उसामा, हो गया उसके बाद एतजाज एहसन हो गया, उसके बाद रोल नंबर 90 था तैयब जमान, वो हो गया, उसके बाद तायर हो गया, तायर चोई चोई उसको हम कहते होते थे, चोई हो गया, उसके बाद कौन हो गया ज़ुबैर था एक लड़का, वो भाग गया था, वो हो गया, उसके बाद कौन था यार, काफ़ी लड़के थे यार हमारी, कुछ 40 लड़कों की क्लास होती थी यार, अभी कुछ लड़कों के जिनके नाम याद नहीं आ रहे। उसके बाद अपना रोल नंबर 485 था यार, जिसके अभी शादी की खा गए हैं, स्नैन शाह। दूसरा एक स्नैन था उधर का यार, एक और स्नैन शाह था, उसका नाम वो कहाँ का था याद नहीं आ रहा, बड़ी डेंजरस सी जगह थी वो, वहाँ का था। और इसी तरह करके ना यार, आप सब लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने एक प्लान किया तो था तो कुछ लोगों के, लड़कों के साथ, कि हम इधर आएंगे। एनीवेज उनमें से कोई दो को लड़के तैयार हुए थे और वो भी जो है नहीं आ सके, अभी हमारा अचानक प्लान बना यहाँ पे आने का। तो जिस लड़के का नाम नहीं मैं ले सका, उन सब को मेरी तरफ़ से सॉरी। और यार चक्कर लगाओ कभी यहाँ पे, अपनी पुरानी मेमोरीज़ को ताज़ा करो, टीचरों के साथ मिलो, गपशप करो उनके साथ। और मुझे दो इजाज़त, मैं आप सबको मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।